हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डैन लॉ। इन टुडे लेक्चर सीरीज वी आर गोइंग टू डिस्कस सेक्शन 5 ऑफ एन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो सेक्शन 5 क्या बताता है? सेक्शन 5 एक्चुअली टॉक्स अबाउट रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल्स एंड एक्सेप्टेंस। तो प्रपोजल और एक्सेप्टेंस, प्रपोजल को कैसे रिवोक किया जा सकता है और एक्सेप्टेंस को कैसे रिवोक किया जाता है, इसके बारे में सेक्शन 5 बात किया है। सेक्शन 5 को रीड करते हैं। सेक्शन 5 कहता है रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल्स एंड एक्सेप्टेंस। अ प्रपोजल मे बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट एक्सेप्टेंस इज कम्प्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर बट नॉट आफ्टरवर्ड। सपोज दैट ए है और बी है, ठीक है। ए ने प्रपोजल दिया, बी के नॉलेज में आया वो प्रपोजल, बी उसको एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट करने से पहले वो लेटर ऑफ जो एक्सेप्टेंस है, जो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, जैसे ही बी बोलेगा यस और वो अपने साइड से एक्सेप्ट करेगा इसको, तब वो उसके बाद रिजेक्ट नहीं किया जा सकता प्रपोजल। प्रपोजल की जो कम्युनिकेशन है ए को, उससे पहले देना पड़ेगा बी को, नॉट आफ्टरवर्ड। जब एक्सेप्टेंस हो जाएगा उसके बाद प्रपोजल को रिवोक नहीं किया जा सकता है, ठीक है। एंड एक्सेप्टेंस मे बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कम्प्लीट एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर बट नॉट आफ्टरवर्ड। मतलब बिफोर लेटर ऑफ कम्युनिकेटिंग रीच होगा, जो ये एक्सेप्टेंस जो बी ने दिया है, उस एक्सेप्टेंस को ए के पहले पहुंचने से पहले ही इस एक्सेप्टेंस को रिजेक्ट करना पड़ेगा बी को, क्योंकि बी ने एक्सेप्टेंस दिया। अगर बी को चाहिए कि इस एक्सेप्टेंस को उसको रिजेक्ट करना है, तो ए के पास कम्युनिकेटिंग जो लेटर ऑफ कम्युनिकेटिंग रीच होगा, जो एक्सेप्टेंस का, उससे पहले उसको रिजेक्ट करना पड़ेगा, समझ गए। तो इसमें एग्जाम्पल है, ए प्रपोजेज बाई लेटर सेंट बाई पोस्ट टू सेल हिज हाउस टू बी। ए ने कहा कि मैं, एक घर है मेरे पास जो कि मैं बेचना चाहता हूँ, बी को कहा, तो बी एक्सेप्ट कर लिया प्रपोजल को बाई अ लेटर सेंट बाई पोस्ट, उसको एक्सेप्ट कर लिया लेटर सेंट बाई पोस्ट। अब ए को रिवोक करना है, तो ए को क्या करना पड़ेगा, ए मे रिवोक हिज प्रपोजल एट एनी टाइम, किसी भी समय रिवोक कर सकता है, पर बिफोर और एट द मोमेंट वेन बी पोस्ट हिज लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, ठीक है। एक्सेप्टेंस हामी वो जैसे ही भरेगा कि हाँ मैं आपका घर खरीदना चाहता हूँ, और वो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस देगा, उससे पहले, नॉट आफ्टरवर्ड्स, उससे पहले। सो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस देने से पहले प्रपोजल को रिवोक किया जा सकता है, और लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जो देगा उससे पहले प्रपोजल को रिवोक किया जा सकता है। बट बी रिवोक हिज एक्सेप्टेंस एट एनी टाइम बिफोर द मोमेंट व्हेन द लेटर ऑफ कम्युनिकेटिंग इट रीचेस टू ए। बी ने अगर एक्सेप्टेंस दे दिया है उस घर को खरीदने के लिए, तो उसको वो तब उसको रिवोक करेगा जब उस लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ए तक ना पहुंचे, उससे पहले उसको रिवोक करना पड़ेगा, बट नॉट आफ्टरवर्ड, बिकॉज उसके पास रीच हो गया तो वो एक्सेप्टेंस मान लिया जाएगा, समझ गए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस इज दीपक आनंदन, थैंक यू सो मच, साइनिंग ऑफ।